वंशवाद और लूटने की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। यह बातें जैना मोड़ में आयोजित नामांकन सभा में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही। इसकी जनता देश के तकदीर का फैसला कि हमें देश को किस दिशा में ले जाना, देश किसके हाथों सुरक्षित है, देश का सर्वांगीण विकास, विकास और सुशासन। जो आजादी के बाद जो देश में आजाद भारत में 55-60 साल से जो कुशासन चल रहे थे, तो सुशासन के लिए मत था। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की करोड़ों जनता ने एक चाय बेचने वाला का बेटा, जिसकी लोकतंत्र में गहरी आस्था, और दूसरी तरफ वंशवाद की राजनीति करने जो भारत को अपनी जागीर समझता कि भारत में जब भी शासन होगा तो एक परिवार गांधी परिवार का ही शासन, उसको देश की जनता ने 2014 में आदरणीय नरेंद्र भाई 2004 और 2014 के बीच के घटनाक्रम को देखे, पाकिस्तान के आतंकवादी कभी बॉम्बे में आकर 26/11 की जैसी घटना कर भारतवासियों पर का आतंक डालने का काम, कभी हैदराबाद में आतंकवादियों के द्वारा आतंक किया जाता था, कभी दिल्ली में किया जाता था, कभी पार्लियामेंट में किया जाता था, कभी अक्षय मंदिर में किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाकिस्तान को सबक सिखा। पहली बार जिसे देश की खासकर नौजवान कहते हैं 56 इंच का प्रधानमंत्री, जिन्होंने इन 4.5 वर्ष में पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं दुनिया का कोई देश भारत की तरफ आंख उठा के नहीं थी। आपने देखा कि 4.5 वर्षों में किसी राज्य में कोई भी पाकिस्तान के आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं हम बम जाके फोड़ सकें। दो घटना हुई जम्मू कश्मीर में, उसका भी आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उरी में घटना हुई उन्होंने दुनिया को बोला कि पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती की है, उसको पछताना पड़ेगा। और 29 सितंबर 2016 को उरी में पाक अधिकृत कश्मीर में न सिर्फ आतंकवादियों को मारने का काम किया बल्कि चुन चुन कर आतंकवादी के अड्डे को भी ध्वस्त करने का काम।